गाड़ी का इंजन अब आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है। यहाँ कड़कड़ाने की आवाज सुनिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ ASM Hyundai पे और मेरे सामने जो खड़ी हुई है वो खड़ी हुई है आपकी Hyundai की Venue डीजल। मैं आज इसको स्पेशली इसलिए कवर कर रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है भाई, हमें मेरे सामने जो खड़ा हुआ है। और इसकी प्राइसिंग बताऊँ ना, अगर मैं बेस मॉडल की, ये जो डीजल का बेस मॉडल है आपका रहने वाला है S+, ठीक है, और इसकी प्राइसिंग है आपकी 10,40,000 रुपए, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा बिकता है। और भाई बिकेगा क्यों नहीं, अब आपको इसमें लगभग सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में ना आपको सारी चीजें बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या ऑफर किया जाता है। सबसे पहले जो इसका मेन हाईलाइट है वो है इसका इंजन। अब आपको पता है इसमें किसका इंजन दिया जाता है, वो दिया जाता है आपका इस गाड़ी का, ये देख रहे हैं सामने जो खड़ी हुई है व्हाइट कलर की, इस गाड़ी का इंजन अब आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है। यानी कि इसमें आपको डीजल इंजन मिल रहा है क्रेटा का, जो कि प्रोड्यूस करता है आपका 115 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क। और ये 2023 वाली है तो इसके अंदर आपको जो एड ब्लू वाली जो हवा है वो भी लग चुकी है इस गाड़ी को, एड ब्लू का जो इसमें टैंक है वो ऐड कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले इस गाड़ी के बारे में, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले इसके इंजन से। तो देखिए भाई, ये देखो वो इंजन अपना क्रेटा वाला CRDI 16V 1500 CC का, यानी कि 1497 CC का आपको जो इसमें इंजन मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है आपका 115 BHP और 250 Nm का टॉर्क। एक बार ना मैं आपको स्टार्ट करता हूँ तो इसके अंदर ना आपको वही कड़कड़ाहट भी मिलती है। तो पहले मैं इधर यहाँ पे स्टैंड लगा दिया मैंने, अब आप एक बार इसको मैं स्टार्ट करूँगा तो आप आवाज़ सुनिएगा। ये देखो भाई, ये ऑन हो गया, कड़कड़ाने की आवाज सुनिए, डीजल इंजन है भाई, कड़कड़ा रहा है वो, इतने ही जो पावर है ना वो ऐसे कड़कड़ाने में पता पड़ जाती है कि हाँ इंजन है भाई। तो मैं आपको ये सुना रहा था, टर्बो देखो कितना बड़ा टर्बो लगा हुआ है, पता पड़ रही है बड़ा इंजन है, 115 BHP प्रोड्यूस कर रहा है अब आपका 250 Nm का टॉर्क। और अभी मैंने पता है वो 250 Nm टॉर्क मेरे को पता पड़े, मैं इस गाड़ी को थोड़ी पीछे लगी थी, मैंने थोड़ा सा हल्का सा आगे किया ना तो एकदम से वो उठी ना, मैंने कहा वो बाप रे ये क्या अलग सी चीज़ है। तो आगे से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे क्यूब वाली आइस क्यूब वाली आपको ग्रिल देखने को मिलेगी बड़ी सी, यहाँ पे आपको क्रोम वाला इस पर ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा Hyundai का, बड़ा सा लोगो दिया गया यहाँ पे। यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट देखने को मिलेंगी, बेस मॉडल है S+, तो आपको हेलोजन लाइट देखने को मिलेंगी, फॉग लाइट का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, टोइंग हुक का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इंडिकेटर लाइट देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट देखने को मिलेगी। मैं इंजन बंद कर देता हूँ, आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, इंजन मैंने बंद कर दिया, फिर भी गिरा देते हैं तो आवाज़ सुनिएगा हुड़की, भाई साहब पूरा प्रॉपर थड़ के साथ बंद होता है, बिल्ड क्वालिटी एक नंबर, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी रहने वाली है इसकी। आगे आपको कोई भी मतलब इसमें फॉग लाइट का ऑप्शन अब तो हटा ही दिया गया, टोइंग का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का इसका पूरा आगे का लुक रहने वाला है, हेलोजन 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 हर जगह आपको जो पूरा हेलोजन देखने को मिलेगा। नीचे स्किड प्लेट मिलेगी जो कि आपकी सिल्वर से फिनिश की रहने वाली है, देख सकते हैं आप, ठीक है। साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो आपका जो 2023 में जो था यहाँ पे आपके जो वो थे व्हील कवर जो थे ब्लैक्ड आउट कर दिए गए थे, तो यहाँ पे आपको नए वाले जो व्हील कवर हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूँ तो आपका टायर साइज रहने वाला है 195/65 R15 का, 15 इंच का इसमें आपको टायर देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिलेंगे, पीछे की साइड आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, बॉडी में क्लैडिंग गई है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की क्लैडिंग जाती है पूरी। अब मैं इसकी एक बार लेंथ बताता हूँ आपको, तो इस गाड़ी की जो कैटेगरी रहती है वो आपकी 4 मीटर रहती है, यानी कि 3995 mm की जो है इसकी लेंथ रहने वाली है। इसकी बात करते हैं व्हील बेस की, तो व्हील बेस इसका रहने वाला आपका 2500 mm, यानी कि इस पहिए से लेके पिछले पहिए तक आपका जो व्हील बेस है वो आपका रहने वाला है 2500 mm का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो रहने वाला है आपका लगभग 195 mm, देख रहे हैं, मतलब इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको मिलेगी 195 mm की, ठीक है। अब पीछे की साइड चलते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वो सब देखने को नहीं मिलता। एक बार मैं आपको चाबी भी दिखा देता हूँ, तो आपको अगर चाबी दिखाऊँ ना तो इस टाइप की बेसिक सी चाबी मिलेगी, एक आपको फ्लिप की देखने को मिलती है और एक आपको मिलेगी नॉर्मल सी एसी की, ठीक है। इसमें लॉक अनलॉक और होल्ड करके बूट खुलने का ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक आपको मिलेगी आपकी मैनुअल सी चाबी। इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको RPM पे देखने को मिलेगी, फेंडर पे नहीं करी, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
क्योंकि ये बहुत बुरा लगता था यहाँ पे लगा हुआ, लेकिन एस प्लस मॉडल में आपको ये यहाँ पे देखने को मिलता है, प्रीमियम लगता है। अलॉय व्हील चेंज कराओ और आपकी गाड़ी जो टॉप मॉडल रेडी तैयार, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर बटन देखने को नहीं मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग रिमोट मिल रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए पिलर बी पिलर आपको जो ब्लैक डॉट देखने को मिलेंगे, फंक्शनल रूफ रेल देखने को मिलेंगी, देखिए पकड़ के मेरा पूरी गाड़ी हिला दी, लो फंक्शनल रूफ रेल। उसके बाद आपको शार्क फिन एंटीना व्हाइट कलर का, उसके बाद पीछे की तरफ आते हो तो देखिए कुछ इस तरह की लाइट्स, ये कनेक्टिंग लाइट जो है आपकी जलेगी नहीं, इतना तो मुझे पता ही है, सबको बता देता हूँ एक बार आपको कि जिसकी कनेक्टिंग लाइट्स जो है वो आपको इसमें जलती हुई नहीं मिलेगी। अगर आपको जलानी है तो आपके पास करोल बाग का ऑप्शन है, वहाँ पे जाकर जला सकते हैं। अगर बात करूँ ना हेलोजन का पूरा सेटअप देखने को मिलेगा, हेलोजन इंडिकेटर, नीचे की साइड आपको जो रिवर्स लाइट है वो भी हेलोजन देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ ना कौन से वेरियंट्स आपको जलती हुई मिलेगी, तो मिलेगी आपको SX और SX ऑप्शनल वाले जो वेरियंट्स रहने वाले हैं उसमें आपको ये कनेक्टिंग लाइट जो है जलती हुई देखने को मिल जाएगी। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो ट्रक। हाँ, अगर मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, आपको अगर SX वेरिएंट का रिव्यू देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैंने उसका रिव्यू कर रखा है। और इसी मॉडल का, S मॉडल का अगर आपको पेट्रोल में रिव्यू देखना हो तो वो भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद है ना तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। पीछे की साइड आते हो तो यहाँ पे आपको जो पूरी की पूरी लाइट देखने को मिलेगी, कनेक्टिंग लाइट जो कि इसमें मॉडल में आपको जलती ही नहीं मिलती है। यहाँ पे हुंडई का लोगो, यहाँ पे वेन्यू की ब्रांडिंग, उसके नीचे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक टेलगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। कैमरा की प्लेसमेंट भाई साहब, एस प्लस वेरियंट में आपको कैमरा भी देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे ब्लू कलर की पन्नी लगी है, ठीक है। कुछ इस टाइप की यहाँ पे आपको हेलोजन से दो बल्ब देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह का आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा, बूट स्पेस का भी मैं बताऊंगा बाद में आपको, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। हाई माउंटेड स्टॉपिंग लैंप, डिफॉगर नहीं है, वाइपर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे नीचे की साइड आपको रिवर्स लाइट देखने को मिलती है, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे। नीचे की साइड आपको सैटिन सिल्वर फिनिश की, सिल्वर फिनिश में आपको मैट सिल्वर से फिनिश की आपको जो है यहाँ पे वो देखने को मिलेगी स्किड प्लेट। दूसरी तरफ आता है 45 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, और फ्यूल टैंक के अंदर ही अब आपका जो है यूरिया देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार खोल के, यहाँ पे खोला और ये खोला मैंने, तो इसी के अंदर आपका जो है DEF आ गया, देख रहे DEF भी आपके साथ ही आ गया, डीजल का टैंक देखने को मिला है, 45 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी रहने वाली है। दूसरी तरफ आता है तो क्लैडिंग जो है पूरी की पूरी कंटिन्यू करी गई है यहाँ से लेके वहाँ तक। यहाँ पे पीछे की साइड बात करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बात करें एडजस्टमेंट की, ड्राइवर को पैसेंजर साइड पे ना, कोई को पैसेंजर साइड पे आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, और कुछ इस तरह का पूरा वॉक अराउंड रहता है। बात करते हैं यहाँ पे आपको तो आगे जो है हार्ड से वाइपर देखने को मिलेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं देखने को मिलेंगे, दो वॉशर फ्लूड के आउटलेट्स रहने वाले हैं, एक और दो, दो वॉशर फ्लूड के आउटलेट्स रहने वाले हैं। तो इसकी कुछ इस तरह की कहानी हो जाती है आगे आगे से। आप चलते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर जो है ना मेजर चीज़ है, मतलब एस प्लस वेरियंट क्यों मोस्ट सेलिंग है डीजल में, ये बात मैं बताता हूँ, क्योंकि भाई सारे फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं। तो चलो पहले अंदर चलते हैं, गाड़ी अनलॉक करी, ये मैंने खोला, डोर ट्रिम चेक करिए पहले। डुअल कलर आपको डोर ट्रिम मिलेगा, ब्लैक में, बेज में। यहाँ पे बॉटल होल्डर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको मैगजीन का ऑप्शन मिलेगा, स्पीकर मिलेगा आपको, ट्विटर मिलेगा आगे, चार स्पीकर, दो ट्विटर आपको देखने को मिलेंगे इस वेरिएंट में। ग्रैब हैंडल देखने को, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक करने का ऑप्शन, लॉक अनलॉक का ऑप्शन, ओआरवीएम को कंट्रोल्स के ऑप्शन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ओआरवीएम्स मिलेंगे लेकिन वो फोल्ड नहीं होंगे। यहाँ पे दो चीज़ें ऐड करी गई हैं, तो एक है आपका यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन, जो कि आपका BS6 स्टेज 2 को डिटरमाइन कर रहा है कि ये जो है BS6 स्टेज 2 है। यहाँ पे आपका जो है हेडलाइट लेवल एडजस्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। ड्राइवर सीट की बात करें, हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा इसमें आपको, रिक्लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और पूरा आपको आगे पीछे करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वो जो है पूरा का पूरा मैनुअल रहने वाला है। ABC पेडल्स आप देख सकते हैं, डेड पेडल देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का। अब चलता है गाड़ी के अंदर, ये मैं आ गया गाड़ी के अंदर, तो भाई सबसे पहले तो करता हूँ गाड़ी को चालू, गर्मी बहुत है भाई, ये मैंने गाड़ी ऑन कर ली, कड़कड़ाहट जो है वो बरकरार है इस चीज की, इस गाड़ी में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिजिटल पूरा आपको वो देखने को मिलेगा मीटर, ठीक है, इस टाइप का पूरा इसमें आपको मीटर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डिजिटल पूरा फ्यूल मीटर, डिजिटल आपका पूरा टेम्परेचर मीटर देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड पे आपका RPM मीटर, लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी स्पीड, बीच में आपका जो है पूरा दिख रहा होगा कि बैटरी शिपिंग मोड पे है। उसके बाद इसमें बात करें तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें देखने को मिलता है, मेरे को शायद से जो लग रहा है, देखने को तो मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा ऑटो स्टॉप, ये तो देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यूरिया लेवल, एक सेकेंड,
हाँ जी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिल रहा है, यूरिया का लेवल देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करें तो ये आपके वही सेंस रिफ्यूलिंग, उसके बाद एक्यूमुलेटेड इन्फो, स्टॉप वाला और ड्राइवर इन्फो, कुछ इस तरह की सीट वो रहने वाली है। यहाँ पे आपकी जो है थोड़ी बहुत लाइट्स की और सेटिंग्स रहने वाली है, ठीक है। कुछ इस तरह का इसका पूरा वो रहने वाला आपका, देखिए पूरा डिस्प्ले। अगर मैं रेस दूंगा तो कुछ इस तरह से इसमें आपकी जो लाइंस थी वो अंदर तक भरती हुई जा रही थी। यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का नीचे वो दिख रहा होगा, अगर मैं इसे बंद कर दूंगा तो इस तरह से हट भी जाएगा, ये आ जाता है वापस से, ठीक है। कुछ इस तरह का पूरा इसका मीटर रहने वाला। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील पे बात करूँ तो आपको जो है यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन मिलेगा, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखिए, ठीक है। इधर की साइड बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ फ्रंट के वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ के पूरे डैशबोर्ड की, तो कुछ इस तरह का इसका पूरा डैशबोर्ड रहने वाला। भाई कितना प्यारा लग रहा है देखने में, ठीक है। कोई कह सकता है कि ये इसका जो बेस मॉडल है, आपको यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिल रही है पूरी। और इसके अंदर भी अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे भाई इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस देखने को मिलेगा। मतलब बताइए क्या भाई, क्या चाहिए और आपको, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ ना इसमें और क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, तो मैं पहले इसमें यहाँ पे आता हूँ। तो मैं इसमें यहाँ पे आया, नॉर्मल स्क्रीन पे आ गया, तो यहाँ पे आपको साउंड देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे इसके इसमें आपको साउंड देखने को मिल रहा है, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, क्लाइमेट। क्लाइमेट में जाएंगे तो आपको वही दो ऑप्शन मिलेंगे, वेंटिलेशन वाले इंटरनल और ऑटोमेटिक वेंटिलेशन वाला। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार वाला बटन देखने को मिलेगा, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं क्विक सेटिंग्स में आने जाने के लिए, ठीक है। एक छोटा सा नॉब देखने को मिलेगा, एक मिलेगा बड़ा सा नॉब देखने के लिए, ठीक है। उसमें दोनों में तरफ आपको जो है ग्लॉस ब्लैक की फिनिश देखने को मिल जाएगी। अगर बात करते हैं यहाँ पे नीचे की साइड आपको, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ग्लॉस ब्लैक का टच देखने को मिलेगा। इंडिकेटर का जो हैजार्ड का लाइट का स्विच रहने वाला है, बहुत ही एकदम फिंगरप्रिंट मैग्नेट रहने वाली है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने हाथ रखा, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फिंगरप्रिंट से आ चुके हैं। सिल्वर की फिनिश, उस साइड भी आपको सिल्वर की फिनिश देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ इसमें एयरबैग्स की, तो एक एयरबैग गिरा, थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कॉइन के लिए प्लेसमेंट मिलेगी, दो कप होल्डर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ग्लव बॉक्स की बात करें तो कुछ डिसेंट साइज का आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कूल का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। बॉटल होल्डर का ऑप्शन मिलेगा दूसरी साइड पे, तो कुछ इस तरह का पूरा इसका डैशबोर्ड रहता है। मैं एक बार आपको इसके ना सारे एसी के फंक्शन बता देता हूँ। मैनुअल एसी रहने वाला। ओ भाई साहब कितना चिलर है, कितनी ठंडी हवा दे रहा है भाई, ये बहुत चिलर एसी है इसका। यहाँ पे आपको कनेक्शन मिलेगा यूएसबी का, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, उसके बाद टाइप सी की कनेक्टिविटी का ऑप्शन। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन रहने वाला है। इसमें बात करते हैं रिवर्स लगाने पे, तो ये देखो भाई साहब जादू आपको मिल रहा है इसमें। अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ कैमरा, वाह वेरी गुड, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी वेरियंट बनाया भाई। उसके बाद बात करें यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का आईआरवीएम देखने को मिलेगा। मैनुअल लेने वाले कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपका जो है पूरा हार्ड प्लास्टिक वाला सनशेड मिलेगा, दूसरी तरफ भी आपको हार्ड प्लास्टिक वाला यहाँ पे सनशेड देखने को मिल जाएगा। माइक की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन कोई भी खुलने बंद होने वाला ग्रैब हैंडल नहीं है, ये पूरा का पूरा ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। एक बार मैं आपको चेक कराता हूँ, तो देखिए कड़कड़ाहट सुनिएगा, सुनने, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ स्टीयरिंग व्हील पे, तो यहाँ पे जो आपको मिलेंगे इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे एमआईडी के कंट्रोल्स। एमआईडी को आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं, ऊपर नीचे करने का ऑप्शन मिलेगा, ओके का बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको जो है थोड़ा सा वो देखने को मिलेगा सिल्वर का फिनिश। एक बार मैं आपको हॉर्न सुनाता हूँ, तो हॉर्न सुनिए, सिंगल टोन आपका इसमें हॉर्न रहने वाला है। स्पीकर की प्लेसमेंट की बात करें, 1, 2, 3, 4 और पीछे 5 और 6, मतलब 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का आपको इसमें पूरा ऑप्शन देखने को मिलता है। आप चलते हैं पिछली सीट पे, पिछली सीट पे आपको स्पेसिंग की बात कर लेते हैं और फिर वीडियो को एंड करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का आपको पीछे की साइड यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगा। डोर ट्रिम की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको डोर ट्रिम देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मिलेगा क्रोम का डोर नॉब, यहाँ पे मिलेगा ग्रे का फिनिश या फिर बेज कलर का थोड़ा सा फिनिश, ग्रैब हैंडल ब्लैक कलर में, पावर विंडो कंट्रोल, स्पीकर की प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर की प्लेसमेंट। स्पेसिंग की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो है पूरी फैब्रिक वाली वो मिलेंगी सीट्स। यहाँ पे आपको कोई भी इस पे लेदर का यूज नहीं करा गया। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स देखने को मिलेंगी यहाँ पे। सेंटर में कोई भी आपको हैंडरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, फिक्स्ड आपको ऊपर पीछे के हेडरेस देखने को मिलेंगे। सेंटर में आपको सिल्वर फिनिश में आपको एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे, तो उसके नीचे तो चार्जिंग सॉकेट भी मिलेंगे, वो भी सीट टाइप, शाबाश, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। उसके बाद अंदर बैठता हूँ मैं, स्पेस ही स्पेस है भाई, मतलब ठीक ठाक आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगा। हेडरूम भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बीच में आपको कॉमन एक यहाँ पे केबल लाइट देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस टाइप के कुछ आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको हुक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो कुछ इस तरह का पूरा यहाँ पे इंटीरियर हो जाता है। अब चलते हैं एक बार बूट स्पेस की बात करते हैं और स्पेयर टायर की बात करते हैं। पीछे का बूट स्पेस चेक करते हैं एक बार अब, तो देखिए
ये लीजिए 350 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है यहाँ पीछे की साइड। और अगर मैं इसके स्पेयर टायर की साइज की बात करूँ तो वो मिलेगा 195 R15 का ही इसमें आपको टायर देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको R15 का 15 इंच का टायर यहाँ मिल रहा है, 15 इंच का टायर आपको अंदर देखने को मिल रहा है, मतलब इसमें आपको कोई भी कॉस्ट कटिंग करने को नहीं मिलेगी। इसके हायर ट्रेंस में जो है आपका बड़ा टायर यानी कि 16 इंच का टायर आपको देखने को मिलेगा, ट्रायंगल आपको सेफ्टी ट्रायंगल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पीछे की साइड कोई भी आपको बूट में कोई भी वो नहीं देखने को मिलेगा, क्या कहते हैं उसको, कैबिन लाइट, ठीक है। तो कुछ इस तरह का पूरा इसका बूट रहने वाला है। तो ये था कुछ मेरा रिव्यू पूरी गाड़ी को लेके, वेन्यू डीजल को लेके। भाई जितनी चीज़ें इस सेगमेंट में जितने प्राइस में ये ऑफर कर रही है, जैसे जो इंजन इसमें ऑफर करा जा रहा है कंपनी के द्वारा, बहुत वैल्यू फॉर मनी इसे बना देती है। और ये मोस्ट सेलिंग भी बन जाता है भाई, मतलब ये मान लीजिए सब बहुत बिक रहा है ये, क्योंकि बेस मॉडल में आपको सारी चीज़ें मिल गई भाई, एंड्रॉयड ऑटो मिल गया, एप्पल कारप्ले मिल गया, वायरलेस मिल गया, उसके बाद आपको यहाँ पे 115 BHP मिल रहे हैं, 18 का माइलेज दे रही है ये आपका सिटी में, और 20 का माइलेज दे रही है आपका हाईवे में। बताओ क्या कमी है, किस चीज़ की दिक्कत है, ठीक है। आपको फिर उसके बाद यहाँ पे IR ORVMP जो आपके इंडिकेटर की भी प्लेसमेंट हो रही है, आपको जो टायर्स मिल रहे हैं वो 15 इंच के मिल रहे हैं, खैर वो तो आप बाहर से मार्केट आफ्टर मार्केट से जो है चेंज करा सकते हैं। कितनी वैल्यू फॉर मनी बन जाती है, सारे जो जरूरी चीज़ें थी सब आपको मिल गई। और मैं भी खड़ा हुआ हूँ आपका ASM Hyundai पे, स्पेशल थैंक्स टू देम जिनकी वजह से मैं इस गाड़ी को फीचर कर पाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मैंने अपने चैनल पे जो है Hyundai Venue SX का टॉप मॉडल का भी अपने चैनल पर डाला हुआ है, और Hyundai Venue S पेट्रोल BSX वाली स्टेज 2 वाली उसका भी मैंने रिव्यू अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद है तो डू लाइक इट, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई गाड़ी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।